एक समय पर मिडिल ईस्ट का पेरिस कहलाने वाला लेबनान अब इजरायली हमलों के चलते तबाही की नई कहानी लिख रहा है। साल 2006 में इजरायल हिजबुल्ला युद्ध के बाद एक बार फिर लेबनान सबसे भीषण हमला झेल रहा है। चरमपंथी समूहों के दबदबे के चलते लेबनान का बुरा हाल हो चुका है। इजरायली सेना ने लेबनान में जमीन और हवा दोनों से जबरदस्त हमला बोला। बताते चले कि इजरायल पूरे लेबनान में सैन्य अभियान नहीं चला रहा है। इजरायली सेना महज ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह के कब्जे वाले इलाकों में उसके लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। दरअसल हिजबुल्ला कोई आधिकारिक सरकारी संगठन नहीं है, ये लेबनान में बीते चार दशकों में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। हिजबुल्ला समूह को शिया समर्थक मुस्लिम देशों का साथ मिलता रहा है। बताया जाता है कि ईरान ने 1982 में हिजबुल्ला को लेबनान में बनाया था। इसको बनाने के पीछे की वजह ईरान के पड़ोसी मुल्कों में भी इस्लामिक क्रांति को फैलाना था, साथ ही इसराइल को उत्तरी मोर्चे पर भी घेरना था। आज हिजबुल्ला लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई अहम शहरों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला की एक बड़ी सैन्य ताकत है। दरअसल लेबनान में साल 1943 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद एक इकबालिया लोकतंत्र है, जिसमें लेबनान के प्रमुख राजनीतिक और सैन्य पद किसी खास धर्म संप्रदायों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। लेबनान में राष्ट्रपति हमेशा एक मैरोनाइट कैथोलिक, प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुस्लिम और संसद का अध्यक्ष एक शिया मुस्लिम होता है, जबकि संसद के उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री हमेशा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई होते हैं। इसके अलावा लेबनानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख हमेशा एक ड्रूज होता है, मगर समय के साथ साथ ये प्रथा पुरानी पड़ती गई। साथ ही ईसाई समुदाय की संख्या भी यहाँ अब धीरे धीरे कम हो गई है। फ्रांस से आजादी के दौरान यहाँ पर ईसाई समुदाय का दबदबा हुआ करता था, मगर अब मुस्लिम आबादी में बड़ा इजाफा हुआ है। लेबनान में किसी एक धर्म को मानने वालों की सरकार नहीं बन सकी है, यहाँ सरकारें गठबंधन से बनती हैं। यही वजह है कि लेबनान की सत्ता में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालातों का जन्म हुआ, जो 1990 में जाकर पूरी तरह से खत्म हो गया। मौजूदा हालात का फायदा उठाकर हिजबुल्ला ने लेबनान में अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत करनी शुरू कर दी। लेबनान की सरकार की कमजोरी का फायदा भी हिजबुल्ला को मिलता है। लेबनान के पास साल 2022 से कोई राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाई कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। केंद्र सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि हिजबुल्ला को उसका एजेंडा आगे बढ़ाने से रोक सके। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर हिजबुल्ला ने लेबनान में अपनी जड़ें जमा ली हैं, साथ ही उसे ईरान से पूरा समर्थन मिलता रहता है।